हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनएफ बर्ड एंड एंटरटेनमेंट। इनक्यूबेटर का तो अब ज़्यादा आपको अंडे रहती हैं। देखो वो अंडे आपको के क्या करते हैं, ज़रा नए बर्ड आ रहेगा तो आपको ख़राब कर डालते हैं, रहते नहीं। सो उसके वास्ते एक इनक्यूबेटर बना को उसके अंदर रख के डालेगा तो हम ना आपको बच्चे आपको निकलने चांसेस है। उससे आपको एक हम एक टूल छोटा टूल यूज़ कर सकते हैं, उसे आपको इनक्यूबेटर को बोलते हैं। उसे क्या क्या ज़रूरत है तो तुम्हें पूरा दिखा दूँ। देखो ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या करता है तो हीट आपको कंट्रोल में ले लगाता है, यानी उसे कितना कंट्रोल हो, कितना हीट होना कि उतना हीट होते को कंट्रोल ले कर सकते हैं। तुमने क्या क्या चीज़ें होना पूरा दिखा दूँ। देखो ये आपको मदर बोर्ड, ये आपको ऑनलाइन में आराम से मिल जाता है। तुमने होना तो लिंक भी तुमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे डालता हूँ। ये एक चीज़ है मदर बोर्ड। नेक्स्ट आपको दो फैन, ये आपको 12 वोल्ट के फैन है, ये देखो दो फैन। इसके बाद आपको 12 वोल्ट अडेप्टर, एक ये आपको 12 वोल्ट अडेप्टर 2 एम्स का। ये आपको मदर बोर्ड को भी और फैन को आपको कनेक्शन देने के वास्ते। और आपको हमें टू व्हीलर के बल्ब पंप यूज़ कर सकते हैं, मगर आपको मैं आपको बड़ा करंट का बल्ब आपको यूज़ कर रहा हूँ। ये देखो ऐसा एक होल्डर, इसके बाद एक बल्ब, ये आपको जीरो बल्ब है। इसके बाद दो प्लग पॉइंट, ऐसा दो प्लग पॉइंट। और आपको ये आपको मदरबोर्ड के साथ आता है, ये चाको हीट सेंसर, इसे बोलते हैं आपको सेंसर। ये चीज़ ये आपको मदरबोर्ड के साथ आता है, सेट के साथ आता है तुमना। और आपको एक ब्लेड, ज़रा वायर कनेक्शन देने के वास्ते वायर, ये चीज़ें आपको हमें ज़रूरत पड़ती है। ये आपको बहुत कम कॉस्ट ऑनलाइन में मिल जाती है। और आपको हमने एक कार्डबोर्ड बॉक्स होना, ऐसा थर्माकोल का, थर्माकोल का बॉक्स मिलता है, आराम से मिल जाता है काम भी। चलो कैसा असेंबल करते हैं वो देखेंगे। देखो भाई ये थर्माकोल का बॉक्स है, और आपको इसमें आपको पहले दो फैन फिट कर लेंगे। हमें कैसा फिट करते हैं देखो, ऐसा रख लियो। ये वायर दिखती ना, वायर दिखे वायर आको ये साइड आना, ऊपर आना। ओके वायर ऊपर आना तो बराबर आपको यहाँ में कट कर लेंगे। ये कट कर लेंगे, ये पहले मार्क दल को। पास कर ले वीडियो में वो फैन कहता है कि तो फैन दल को मार्क दल को कट लियो तो ऐसा निकल जाता है। फैन आपको ऐसा फिट कर लियो, बराबर बराबर बैठ जाता है। तो बैठ जाता है, हमें आपको इसे स्क्रू भी डाल सकते हैं, नहीं कि तो ग्लू गन रहता है ना, ग्लू गन में भी आपको इसे पैक कर सकते हैं। वीडियो को बहुत शार्ट बनाता हूँ, लॉन्ग खींचता नहीं। तो ऐसा चाहो अपोजिट डायरेक्शन में भी कर लेना, वो भी कर लियो। यहाँ कैसा मार्क दल को हमें कर को हेंगे वैसा अपोजिट में मार्क दल ले को हमें आपको वो कट कर लेना। कट कर ले तो क्लीन से कट कर लेगा। ये भी आपको बराबर बैठे सका, हमें को फिट कर लेना। ग्लू गन क्या भी बिठा सकती है हमें। तो यहाँ भी एक फैन, यहाँ भी एक फैन होगा। सो नेक्स्ट आपको ये मदरबोर्ड है ना, हमारा मदरबोर्ड आपको फिट करना। ये मदरबोर्ड में आपको कनेक्शन समझा दूँ। देखो तुम ना वही कनेक्शन मिल जाता हूँ, जो ये हीट का सेंसर रहता ना, हीट के सेंसर के को आपको यहाँ आपको लगा लेना। हमें ये देख लो, हीट के सेंसर के यहाँ लगा लेगा तो देखो हीट का सेंसर लगा ले बाद, ये रहा हीट का सेंसर, ये हीट का सेंसर। ये चाको अंदर आपको कितना टेम्परेचर है अगर बोल को बता पास हो,
तो यहाँ लगा ले पाते, ये कनेक्शन है देखो चार ही, इसमें आपको चार कनेक्शन है। ये आपको बैटरी का अडेप्टर का कनेक्शन देते सो, सो मदरबोर्ड को जो सप्लाई आता है कि पावर सप्लाई वो यहाँ से देते सो, वो 12 वोल्ट जो मैं तुमने पहले बताया था ना, ये आपको इसे देना कनेक्शन। ये रहा प्लस, प्लस करके उसमें सता है, ये देखो ज़रा जूम करो, ये यहाँ आपको प्लस कल बोल को दिखाता है, देखो ये प्लस आपको ये माइनस, ओके। तो यहाँ कनेक्शन दे डालना, बाद ये जो कनेक्शन है कि वो कनेक्शन कैसा होगा, तो पावर लाइट को देना, वो ये जो अंदर लाइट्स लगती है ना, जो पावर ऑन होता है ना उसे देना। ये दो में कनेक्शन दिएगा तो चाहो ऑटोमेटिक टेम्परेचर ज़्यादा होने टाइम पर वो ऑटोमेटिक ऑफ होती है, तो टेम्पर लेवल आपको करेक्ट से मेंटेन करती है। देखो ये एक इच्छा, वो तुम ना कनेक्शन कैसा करते दिखाता हूँ, उसके पहले हमें आपको ये अटैच कर डालेंगे, ऐसे बोर्ड में ऐसे आपको अटैच कर छोड़ देंगे। अटैच कर हो के बाद तुमने टेम्परेचर कैसा सेट करना और आपको कनेक्शन कैसा देना कभी पूरा भी तुमने मैं आपको दिखाता हूँ। कटकर को लाइट डाल रहे हैं फ्लैश। सो नेक्स्ट आपको दो फैन आप फिट कर को होगा इधर इधर। सो नेक्स्ट ये बल्ब आपको फिट कर डालेंगे। सो मार्क डाल को, जो मार्क डालेंगे उसके ऊपर इस कटकर को मैं को ये लाइट भी फिट कर डालेंगे अंदर ही। वो गाना इसमें पड़ा तो लाइट के वास्ते आपको होल बना ले को, तो बराबर सब फिट कर लियो, फिट कर लो तो ये जो उसका ये रहता है यहाँ रखो, आपको टाइट कर डालो, ये देखो तो रेडी होगा ये बल्ब को देख लिया। फैन रेडी, अब नेक्स्ट आपको मदरबोर्ड आपको अटैच कर डालेंगे। ये साइड मदरबोर्ड अटैच करको एक होल डाल लेना कहीं को, तो ये हीट टेम्परेचर जो है वो अंदर जाको यहाँ आए तक आ सका, आपको अंदर एक होल्स डाल लेना। होल्स डाल लिए को तो चाको तुम ना को हीट टेम्परेचर आपको कंट्रोल होता सो, ओके। ये लगा डाल को होल डाल को दिखा तुम, देखो मैं यहाँ के ये लगाने के वास्ते ग्लूगन यूज़ कर लेकू हूँ, तो ग्लूगन यूज़ करको लगा डालो। तो ऐसे लगा छोड़ डालो ग्लू गन, तो बोर्ड हमें लगा को होगा। सो नेक्स्ट क्या कहता हूँ, ये टेम्परेचर का सेंसर आको बाजू चे रोज दल को अंदर कैसा करना, तो टोटली आगा हमना। तो पूरा ऑलमोस्ट रेडी, लाइट भी रेडी, पूरा रेडी। अब आपको खाली हमें आपको वायरिंग ही चाको चेक करना सो, वायरिंग इस देना सो, कैसा करो बोल को थोड़ा मैं दिखाता हूँ। पहले आपको पावर सप्लाई के वास्ते दो वायर उठा लियो, प्लस माइनस यहाँ ले लगा कैमरा, ये आपको प्लस, ये आपको माइनस। प्लस का बोल का है दिखा रहा, देखो 12 वोल्ट का, ये आपको प्लस, ये आपको माइनस। प्लस आपको प्लस में दे डालेंगे,
तो स्क्रू टाइप पीछे बहुत इजी से फिट कर ले जा। ये देखो ये देखो ये तो 10 को मैं दे दिया और अगर नेक्स्ट को माइनस देने जाता हूँ देखो ये देखो ये दोबारा अच्छी आपको बेटर आपको बारीक वायर ले लेते तो बहुत बेटर बराबर आपको जग बैठ जाती है अंदर। ये देखो तो हमें आपको ये कनेक्शन आपको देखो होगा ये कनेक्शन आपको हमें आपको 12 वोल्ट बैटरी को देते हैं ये देख लियो। तो ऐसे पिन हो ऐसे पिन रहती है चाहे तो तुम्हें ये कट कर को डायरेक्ट भी दे सकते हैं ओके। अब आपको हमें कट कर कुछ दे लेंगे कट कर दे लेंगे तो बहुत ईजी रहता है तो ऐसा आको मान प्लस माइनस आको छिल लिया हमें तो नेक्स्ट क्या आएगा तो कर से कट कर कोई तुम यहाँ को ये कर ले जा। तो ये आपको इसका मैं कट कर लिया तो प्लस को प्लस दे डालो माइनस को आपको माइनस दे डालो देख लिया फर्स्ट कनेक्शन ये ज़्यादा कंफ्यूज हो जाऊँ आपको क्लीन से समझा लखूँ देखो ये पावर सप्लाई आपको ये पावर सप्लाई हमें आपको फैनों को भी दे सकते हैं। तो तुम पहले आपको ऑन कर दिखा देता हूँ देखो बोर्ड तो मैं यहाँ को फिट कर दिया अभी तुम्हें यहाँ चेक करेगा तो तुम्हें आपको लाइट आती है देखो देखो तो ऑन होगा ये देखो ऑन होगा ये सो ये आपको हीट का टेम्परेचर। अब आपको हमारे रूम में आपको 26-25 ऐसा आपको टेम्परेचर दिखा रहा सो ये कनेक्शन हुआ तो ये कनेक्शन तुम्हें आपको आराम से फ़ैन को भी दे सकते हैं। तो ये फ़ैन आपको सामने है वो कट कर लियो। अब ये देखो ये फ़ैन का 12 वोल्ट भी आपको हम आपको विशेष देंगे अडेप्टर कुछ यहाँ है देखो अडेप्टर विशेष देंगे प्लस को प्लस माइनस को माइनस देख लिया प्लस को प्लस माइनस को माइनस देखो फैन फिर रहा देखो फैन फिर रहा तो उसे भी ये यहाँ जो फैन है कि उसे भी वो कनेक्शन देना तो आपको वायर यहाँ तक नहीं आती तो हम एक एक्स्ट्रा वायर आपको ऐड कर लेंगे। सो सेकेंड फैन को आपको हमें कनेक्शन दे रहे हैं देखो उग्रवार के फैन को ये देखो तो होगा। अब आपको ऑन कर दिया तुम देखो देखो ये साइड का फैन भी फिर रहा है और आपको इधर देखो हम भी देखो कनेक्शन तो वायर आपको बस ही नहीं सोचते क्या करें वायर अटैच कर को यहाँ का वायर कनेक्शन यहाँ ले लगा। अब नेक्स्ट आपको ये कनेक्शन कैसे देती करो देखो ये कनेक्शन दे डाले बाद तुम आपको टेम्परेचर कितना सेट कितना आपको सेट कर को रखना आपको दिखाता हूँ देखो नेक्स्ट। तो एक वायर आपको तुम इसमें अटैच कर लियो एक ये के ज़ीरो है देखो इधर और दिख रहा है के ज़ीरो में आपको ये आपको ताल डालो ताल को टाइट कर डालो ये
एक बार वायर आपको कर डालें। अब आपको ये जो लाइट का कनेक्शन है कि वो लाइट के कनेक्शन को ये करना, देखो ये लाइट के कनेक्शन में एक वायर आपको तुम्हें आपको ध्यान देना कट कर को। जब मैं कट कर रहा था ना वायर, वो कट कर इस वायर आपको एक आपको KO में K0 में अब एक आपको K1 में लगा लेना। ये लगाए तो क्या होता है तो जब आपको हीट टेम्परेचर आपको हमें ज़रूरत से ज़्यादा रहेगा तो ये क्या करता है ऑटोमेटिक आपको लाइट आपको ऑफ कर डालता है, गर्मी कम कर डालता है। जब आपको नॉर्मल स्टेज को आता है कि फिर भी आपको लाइट आपको चालू करता है, उसका काम ये अच्छी, उसका कनेक्शन आपको देखो ये अच्छी। तो ऑलमोस्ट हमारा पूरा रेडी हो गया, मैं तुम्हें आपको ऑन कर दिखाता हूँ, देखो तो ये रेडी होगा। सो और एक लाइट देखो, अगर से तुम्हें आपको 250 वोल्ट में डायरेक्ट आपको बड़ा लाइट दे रही तो यहाँ आपको तुम्हें छियो ना को शॉक मार डालता है कि वो तो 250 वोल्ट आप इसके अंदर जाकर रहता है, तो डायरेक्ट तुम्हें आपको बोर्ड को टच करो ना को। अगर चाहे तुम एक 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रही, 12 वोल्ट की लाइट यूज़ कर रही तो तुम्हें उसमें दे सकती, तो उसे क्या करोगे तो लाइट आपको ऑफ कर डालो, हमें आपको टेम्परेचर आप सेट करना। तुम्हारा टेम्परेचर कैसा सेट करती है बिल्कुल मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो अब दिखाई बात आपको तुम्हें ऑटोमेटिक वो कैसा काम करता है बिल्कुल दिखा दूँगा। हाँ चलो अब आपको टेम्परेचर आपको कैसा सेट करती है बिल्कुल देखेंगे। तो तुम मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाई हूँ, देखो P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6। तो हमें आपको PO फर्स्ट सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने का बटन आपको देखो यहाँ है, देखो तो P1 आपको H में रखना। तो नेक्स्ट आपको ये देख लियो P1 हेट में है, सो नेक्स्ट आपको लॉन्ग प्रेस करेगा तो ये साथ है, P0 आपको इसमें हीट में, तो हीट हेच का तो हीट टेस्ट का तो कोल्ड, तो मैं आपको हेच में रखना। सो नेक्स्ट क्या है तो P1 कितने में रखना होगा तो सेलेक्ट करको 0.3 में करेक्ट से है। सो नेक्स्ट आपको वो सेलेक्ट करको P2 आपको 38 सेलेक्ट कर तो 40 में है, तो मैं आपको 38 में आपको चेक कर सेट कर ले जा। बाद आपको P3 आपको 33 में रखना, तो P3 आपको 33। सो P4 आपको 0 बराबर है। नेक्स्ट आपको P5 0 बट P6 आपको ऑफ, तो टेम्परेचर हमें आपको सेट कर डाले। ये सेटिंग तुम्हें आपको इसके पहले के करो, जो हमें आपको ये बल्ब यूज़ कर रहे हैं सो तो आपको मेन में कनेक्शन आपको पावर आपको ज़्यादा रहता है, तो यूज़ करने को अगर 12 वोल्ट तुम्हें सेट कर रही तो 12 वोल्ट की भी लाइट में सेट कर रही तो तुम्हें आपको डायरेक्ट छी सकती, मगर वो लाइट डाले बाद तुम्हें आपको टेम्परेचर आपको सेट करना नहीं होता, शॉक मारने के वास्ते चांसेस है। सो मैं बोले सर ये आपको चेक कर लियो, सो नोट डाउन कर ले क्या करो तुम्हें सेट कर डालो। अब चलो हमें आपको डेमो देखेंगे, अगर से हीट होगा तो ऑटोमेटिक कैसे ऑफ होता है देखो। अब तो हमारा इंक्यूबेटर आपको ऑलमोस्ट रेडी, ओके चलो अब आपको टेस्ट करेंगे इसे। चलो गाइस अब आपको हम चेक करेंगे डेमो, ऑलमोस्ट हमारा आपको इंक्यूबेटर आपको रेडी होगा, 12 वोल्ट की बैटरी तो अब ऑन करेंगे। तो देख लियो ये हीट टेम्परेचर को बनने यहाँ देख लियो, यहाँ जब 37 के ऊपर जाता है कि हमारा लाइट आपको ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, देख लियो। चलो देखो हीट आपको बढ़ने को है, वैसे देख लियो हीट बढ़ता है, हीट बढ़ते बढ़ते क्या होता है जो अंदर आपको लाइट रहती है कि वो ऑटोमेटिक आपको ये सेंसर आपको ऑफ कर डालता है। तो 37 आ गया, 37.5 के ऊपर जाना हो,
या जो हमें सेटअप करके होते हैं कि वो हिसाब से देखो ऑटोमेटिक आपको ऑफ होगा लाइट, जब आपको 37 के नीचे उतरता है कि तब आपको वो लाइट आपको ऑटोमेटिक ऑन होती है, देख लियो। देखो फिर ऑन होगी तो ऐसा चाको टेम्परेचर को मेंटेन होता रहता है, फिर देखो फिर चढ़ाएगा तो फिर यहाँ यहाँ देख लियो यहाँ लाइट आपको यहाँ दिखती है, इधर बार दिखती है, जब यहाँ 37.5 चढ़ाएगा तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। तो गाइस तुम्हें देख सकता तुम्हें देख रहेगा ये आपको बहुत लो कॉस्ट है। सो ऐसा एक थर्माकोल डब्बा एक ले लियो, वो भी मिल जाता है, मदरबोर्ड भी आराम से मिल जाता है, उसके साथ आता है फ़ैन भी उसके साथ ही जाता है, तो ये हम ये रखो यूज़ कर सकते हैं आराम से, बहुत चीप एंड बेस्ट है। तो वायरिंग आपको बराबर कर लियो, अगर वीडियो तुमने आपको पसंद आई तो लाइक करो कमेंट करो। तो ऐसा टेम्परेचर ऐसा मेंटेन होता है। ओके आप तुम्हें तो देख रहेगा पूरा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।